एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल स्टाइल कॉर्नर बाय श्वेता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे नवरात्रि का शॉपिंग हॉल, जो अभी मैंने नवरात्रि के लिए ड्रेसेस परचेज की है, ज्वेलरी परचेज की है और काफी कुछ मैंने नवरात्रि के लिए परचेज किया है, तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो बना दूं इससे रिलेटेड कि मैंने इस नवरात्रि में क्या कुछ नया परचेज किया है। तो गाइस देख लेते हैं वो चीजें क्या है। तो लेट्स मूव ऑन दी वीडियो। गाइस जो फर्स्ट चीज मैंने परचेज की है वो है चनिया चोली, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इन्हें ओपन करके बता देती हूँ कैसे चनिया चोली मैंने नवरात्रि के लिए परचेज की है। तो फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका ब्लाउज। तो गाइस इस तरीके का है इसका ब्लाउज, ये पिंक कलर में मैंने ब्लाउज परचेस किया है। इसमें फुल मिरर वर्क हो रहा है, तो नवरात्रि में जो मिरर वर्क है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है नवरात्रि में मिरर वर्क। एंड आप देख सकते हैं पूरे ब्लाउज में सारे कलरफुल एम्ब्रॉयडरी की हुई है एंड उसके ऊपर किया हुआ है मिरर वर्क। एंड ये जो ब्लाउज है मुझे स्टिच्ड ही मिला था, इसमें अंदर की साइड लगे हुए हैं पफ, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिटिंग करा सकते हैं। तो ये मुझे ऐसे ही स्टिच्ड मिला था। एंड इसका पीछे की साइड बैक कुछ इस तरीके से है, पीछे की साइड इसमें लगी हुई है डोरी। नाइट के टाइम पे ये मिरर वर्क बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आप गरबा खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक देता है, और इसके साथ अगर आप सिल्वर ज्वेलरी पहने तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लासी सा लुक देती है नवरात्रि सीजन में। इसका जो लहंगा मुझे रिसीव हुआ है वो है व्हाइट कलर में। तो गाइस इस लहंगे का फ्लेयर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा घेर है इसमें, तो नवरात्रि सीजन के लिए बहुत ही अच्छा है ये लहंगा। एंड फुल में इसमें भी मिरर वर्क किया हुआ है, सब कलर के धागों से एम्ब्रॉयडरी है एंड उसके ऊपर है फुल मिरर वर्क, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लहंगा है। एंड ऊपर की साइड ये कुछ इस तरीके का सिंपल है एंड नीचे की साइड इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी है। तो गाइस ये सब चीज जो मैंने परचेज की है ये मैंने जयपुर बापू बाजार से परचेज की है एंड इनकी जो प्राइस मुझे रिसीव हुए है वो है 2000 रुपीज। तो उस अकॉर्डिंग बापू बाजार में बहुत ही अच्छी लहंगा मुझे रिसीव हुआ है। गाइस अगर आप चाहते हैं इसे दिल्ली से परचेज करना तो दिल्ली में भी जनपद से आप इसे परचेज कर सकते हैं, जनपद में इस टाइप की चीजें बहुत ही अच्छी मिलती है। आपको डांडिया लहंगा और सिल्वर ज्वेलरी से लेकर आपको सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो मैंने दुपट्टा परचेज किया है ये है ब्लू कलर में, आप देख सकते हैं ये है फुलकारी दुपट्टा। इस तरीके के दुपट्टे बहुत ही अच्छे लगते हैं नवरात्रि सीजन में, और अगर आप चाहें तो इन्हें किसी भी सूट के साथ भी अगर आप वियर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी की हुई है एंड मिरर वर्क किया हुआ है फुल दुपट्टे में। सी गाइस कितना प्यारा सा दुपट्टा है। तो मुझे इस लहंगे का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है, व्हाइट कलर का लहंगा विद उसके साथ है पिंक कलर का ब्लाउज एंड ब्लू कलर का दुपट्टा, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। दुपट्टे की लेंथ भी पूरी है, ये मुझे पूरा 2 मीटर की लेंथ में रिसीव हुआ है एंड पूरे पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी की हुई है लाइक दिस, तो एक बहुत ही अच्छा सा दुपट्टा है। एंड इस पूरे लहंगे की प्राइस मुझे शायद 2000 रुपीज है। अगर ऑनलाइन अगर ऐसा कुछ अवेलेबल हुआ तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। गाइस इसके साथ मैंने कुछ सिल्वर ज्वेलरी भी परचेज की है, वैसे मेरे पास बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी है अभी, लेकिन मैंने नवरात्रि सीजन के लिए और भी सिल्वर ज्वेलरी परचेज की है। अभी तो कुछ मैंने कुछ वियर भी किया हुआ है सिल्वर ज्वेलरी में। तो ये मैंने सबसे पहले ये चोकर परचेज किया है इस लहंगे के साथ में, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा है। इस टाइप के आजकल चोकर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा चल रहे हैं एंड आप बहुत ही अच्छा लगता है ये वियर करने पे। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस चोकर की लगी ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे हैवी फील नहीं होगा बिल्कुल, इसलिए मैंने ये परचेज किया। एंड इसके साथ मुझे जो रिसीव हुए हैं वो है इयर रिंग्स और मान टीका भी इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है, और इन सबकी प्राइस जो मुझे रिसीव हुई है बापू बाजार में वो है 200 रुपीज। तो इस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में लगा क्योंकि इसलिए मैंने ये परचेज कर लिया। एंड इसके साथ जो मुझे इयर रिंग्स रिसीव हुए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। सी गाइस ये कितने ब्यूटीफुल से इयर रिंग है, बहुत ही लाइट वेट इयर रिंग है, आपको बिल्कुल भी वियर करने पे नहीं लगेगा, आपने इयर रिंग वियर किए भी हुए हैं इसलिए मैंने ये परचेज किए हैं। और इस टाइप के इयर रिंग्स, इस टाइप का चोकर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, और ये तीनों चीज मुझे मिली है ओनली 200 रुपीज में। एंड चीज जो मैंने परचेज किए हैं वो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। मेरे पास सिल्वर ज्वेलरी तो बहुत सारी थी लेकिन बैंगल्स नहीं थे, तो बैंगल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं
लहंगे के साथ में अगर आप डांडिया मतलब गरबा खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। इसलिए मैंने परचेज किया, लेकिन 6 साइज और ये मुझे रिसीव हुआ है 2.4, इसलिए मेरे ये नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसे एक्सचेंज करा लूंगी। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये मुझे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में, इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ है और इसकी जो प्राइस है वो है 400 रुपीज। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। पूरा सेट रिसीव हुआ है इस तरीके के, एक तो 4 बैंगल्स रिसीव हुए हैं एंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बैंगल्स हैं। इसमें भी कलर ऑप्शन गोल्डन में भी अवेलेबल था, सिल्वर में भी अवेलेबल है ये, लेकिन मैंने नवरात्रि सीजन के लिए सिल्वर में परचेज किए हैं। मैं आपको इसे पहन के नहीं बता सकती क्योंकि इसमें मेरा साइज बहुत ही छोटा आ गया, मैं इसे एक्सचेंज कराऊंगी। एंड इसमें 8 मुझे ये सिल्वर सिंपल चूड़ी रिसीव हुई है, तो ये बहुत ही अच्छा सा सेट है। 4 इस तरीके की चूड़ी मुझे रिसीव हुई है, इस तरीके के बैंगल रिसीव हुए हैं मुझे 4 एंड 2 इस तरीके के, तो ये पूरा बहुत ही अच्छा सेट है। इसका फुल पेयर कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा पेयर है, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही क्लासी लुक देते हैं। इस टाइप की ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लगती है गरबा सीजन्स में, नवरात्रि सीजन्स में, इसलिए मैंने ये परचेज किया है एंड इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। गाइस, आज मैंने आपके साथ शेयर किया मेरे नवरात्रि सीजन का शॉपिंग हॉल एंड आई होप आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल पसंद आएगा। एंड जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज किए हैं उसके लिंक तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, लेकिन उस तरीके का अगर कुछ मुझे मिल गया ऑनलाइन तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसके पास में ही है बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बाय गाइस।